नमस्कार, शुभ प्रभात। आपके साथ मैं हूं आपका अपना पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आईबीसी 24, आपका सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा देर तक कई हफ्तों से देखा जाने वाला आपका विश्वसनीय चैनल। आईबीसी 24 पर हम केवल खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटकर असल जिंदगी की हकीकत दिखाती कुछ कहानियां भी दिखाते हैं। और आज निदा फाजली साहब की एक शेर की छोटी सी पंक्ति, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, इस फलसफे को चरितार्थ करते हुए असल जीवन के कुछ रियल कैरेक्टर्स हैं जो हमको हंसते खेलते अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। ऐसा ही है हमारा कार्तिक। न रुकता है वो, न थमता है वो, हर दिन शून्य से शुरू करता है वो। ये हैं कार्तिक, कार्तिक जोशी, जिसे लोग इंदौरी मिल्खा के नाम से भी पुकारते हैं। इंदौर शहर में 10x15 के एक छोटे से मकान में असीमित ऊर्जा से भरे कार्तिक के साथ चाय की दुकान चलाने वाले उनके पिता, हर दिन तिनका तिनका जोड़ गृहस्थी संभालती माताजी, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन समेत कुल 5 लोग रहते हैं। कमरे की दीवारों पर चमचमाते सैकड़ों मेडल्स और कार्तिक के खून पसीने से सने दर्जनों रनिंग शूज गवाह हैं कार्तिक के संघर्ष के। 12वीं पास कर चुके महज 20 साल के कार्तिक एक अल्ट्रा रनर हैं, जिनका ध्येय है सारी दुनिया में भारत को अल्ट्रा रनिंग में पहचान दिलाना। कार्तिक अब तक हरियाणा में हुई इंडिया बिग डॉग बैकयार्ड अल्ट्रा मैन रनिंग में 41 घंटे में 274 किलोमीटर दौड़कर देश में पहले स्थान के साथ गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देश की 11 प्रतिष्ठित मैराथन में गोल्ड और सिल्वर जीत चुके हैं। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका में 7 घंटे 51 मिनट में 90 किलोमीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं। कार्तिक 2023 में USA में बिग डॉग बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये कार्तिक की लगन ही तो है जो न तो पिता के इरादों को डिगने देती है न खुद के हौसले को कम होने देती है। सर, कार्तिक के लिए मुझे अपनी जान भी निछावर करना पड़े तो मैं करूंगा। मैं यूं बोलता हूं कि अगर आप गरीब है, संघर्ष कर रहे हैं और आपके बच्चे होना निकल जाए तो गरीबी हजारों मील पीछे चली जाती है। इन सब के बावजूद कार्तिक घर में माँ का हाथ बटाना हो या पिता के संघर्षों में साथ देना, हर कदम पर परिवार के साथ खड़े नजर आते हैं। कैसे भी हालात हों, कार्तिक ने कभी प्रैक्टिस से समझौता नहीं किया। वो बस दौड़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, जी रहे हैं अपने सपने को। आइए मिलते हैं कार्तिक से। सर, मैं सोचता हूं कि भीड़ चाल ना चलते हुए हम एक ऐसा यूनिक वे ढूंढे, एक ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे तरक्की का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट हो पर अलग हो। मतलब दुनिया में लगना चाहिए, आपको खुद को लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। दुनिया के सेटिस्फेक्शन से आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। अल्ट्रा रनिंग एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो रनिंग को एक नए लेवल पर लेके जाता है। जैसे आपने सुना होगा 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर 10,000 मीटर, बट अल्ट्रा रनिंग में होता है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, इनफैक्ट 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे तक की भी दौड़ें होती है। एक कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रा रनिंग में बैकयार्ड अल्ट्रा, द लास्ट मैन स्टैंड। सभी रेसेस में जो फर्स्ट आता है वो जीतता है, बट लास्ट मैन स्टैंड में जो आखिरी तक दौड़ेगा वो जीतता है। सर, मैं सोचता हूँ किसी भी चीज़ को शुरू करना या किसी चीज़ के बारे में कार्य करना मुश्किल नहीं होता, बट उसी पद पर कंटिन्यू बने रहना, उतना ही प्रयास हर वक्त हर समय और लगातार करते रहना, और मतलब उस चीज़ को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना थोड़ा टफ होता है। क्योंकि जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो वो मेरा फर्स्ट डे था, उसमें मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि रनिंग अगर आपको करना है तो आपको एक शूज़ की जरूरत होती है, एक शॉर्ट्स की और एक टी शर्ट की। बट जब मैं आज रन करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मेरा रनिंग एक्सपेंस पर मंथ 46,000 रुपीज़ का है। लगभग उसमें 23,000 रुपये पर मंथ के जूते होते हैं, 16-17,000 रुपये का न्यूट्रिशन। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए अराउंड द इंदौर ट्रैवल करना या आपको जहाँ पे प्रैक्टिस करना है उसके लिए ट्रैवल करना, तो उस समय मेरी रनिंग सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ की होती थी और आज 46,000 रुपये की है। मैं सोचता हूँ कि अगर आज मेरे को कोई कार्तिक जोशी के नाम से जानता है
या मैंने इतना लंबा डिस्टेंस भागा है, तो आगे मैं चाहूँगा कि मैं इससे भी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भागूँ या और मैं इससे अच्छा प्रदर्शन करूँ। स्टार्ट करना तो सर एक ऑब्लिगेट होता है कि हाँ इस समय पर आपने स्टार्ट कर दिया, बट उसको आगे बढ़ाना एक बहुत टफ टास्क है। सर मेरा एम है कि मैं माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ट्रैक करूं और एक अल्ट्रा मैराथन होती है बैकयार्ड अल्ट्रा, उसके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आज तक एशिया से कोई नहीं जीता है, तो मैं उसमें विन करूं। लगभग मेरा जो टारगेट है, मैं लगभग 100 घंटे भागने की इच्छा रखता हूं कि मेरा एक बार मेरे खुद का ह्यूमन एबिलिटी जो होती है ना उसको टेस्ट करना है। उसमें 670 किलोमीटर होता है, अगर आप 100 घंटे बिना रुके बिना सोए दौड़ लेंगे तो। ओलंपिक में मुझे ट्राइथलॉन रन करना है, ट्राइथलॉन में रनिंग स्विमिंग और साइकिलिंग होती है, वो पूरी करनी है और उसमें जीतना है। मैं अपने हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँच सकूँ। 2023 में मेरे कुछ टारगेट्स हैं, जैसे कि मुझे स्कॉटलैंड में एक रेस होती है ड्रैगन व्यू रेस 380 किलोमीटर की, उसे पूरा करना है। बैकयार्ड अल्ट्रा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके लिए मैं अपने सतत प्रयास कर रहा हूँ। 2 साल वर्ल्ड कोविड के कारण नहीं जा पाया, बट इस साल मैं अपने पूरे प्रयास करूँगा और फिर साउथ अफ्रीका कॉमरेड मैराथन में भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगा। सर मैं सोचता हूँ अगर कोई भी चीज़ होती है वो बहुत बार हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। अगर मेरे सामने कोई चुनौती है तो मैं किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव सिचुएशन में ले जाने के लिए हमेशा एबिलिटी रखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि अगर मेरे पैर में लग गई है तो मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को लग गई है तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं उससे आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। जब तक लगेगी नहीं तब तक आप बचाव सीख नहीं पाएंगे, और बचाव नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो मैं यही करता हूँ कि जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे आगे बढ़ने का तरीका ढूंढता हूँ। जैसे मैं 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तब मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर अभी जाऊँगा तो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाऊँगा, ये मैंने सोचा। बट नेक्स्ट ईयर जाऊँगा तो मैं 100 घंटे से ज़्यादा करूँगा, उस समय तो मैं सोचा था कि 70 या 80 घंटे करूँगा। बट जब मैं उस जगह से ब्रेक हुआ ना तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इससे अच्छा परफॉर्म करने के लिए बना हूँ। मेरी एबिलिटी अभी सिर्फ 70 घंटे की थी, मैं 1 साल और मेहनत करूँगा तो 100 घंटे से भी ज़्यादा भाग पाऊँगा। तो मैं नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो सर मैं सोचता हूँ कि ओलंपिक में जाना उतना महंगा नहीं है जितना उसके लिए प्रैक्टिस करना और उसके लिए प्रयास करना महंगा है। तो चैलेंजेस ये है कि मैं अपने फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पाता, उसके बाद अभी रिसेंटली पापा को मेजर हार्ट अटैक आ गया था, तो उस सिचुएशन से डील करना एक मेंटल सिचुएशन होती है कि आपके पीछे पूरी फैमिली है। सर मैं खुद के लिए कभी नहीं दौड़ता, मेरी एक जो सिचुएशन है वो ये है कि मेरे से हज़ारों और लाखों लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो मेरे को कभी हारने या रुकने ही नहीं देती। मैं कितनी बड़ी रेस में दौड़ रहा हूँ, मेरे से आगे कितने भी अच्छे लोग दौड़ रहे हो, मेरी सिचुएशन यही होती है कि हर 1 घंटे के बाद मेरा वापस समय शुरू होगा। कितना अजीब है ना, जब कोई कुछ करने का ठाने तो आसपास से ही सबसे पहले आपको चुनौतियां मिलती हैं। कुछ ने कहा रुक जा कार्ते, कुछ ने कहा थम जा कार्ते, कुछ ने कहा ये क्या कर रहा है, कब तक भागेगा और कब तक भाग पाएगा। लेकिन इन सबको गलत साबित किया हमारे कार्तिक ने। कार्तिक खुद अपने प्रति लोगों के बदलते हुए रवैये को कैसे लेते हैं, वो कैसे इस चैलेंज से पार पाते हैं कि हर दिन उनको कुछ नया करना है, थोड़ा ज्यादा भागना है, उसी की जुबानी सुनेंगे। कार्तिक की कहानी कार्तिक की जुबानी सुन रहे हैं। तो कार्तिक ने बदलते हुए रवैये को कैसे लिया, कार्तिक खुद किसको हीरो मानते हैं, आज हम उसे अपने हीरो के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो किसे अपना आइडल किसे अपना हीरो मानता है उससे सुनते हैं। चलिए, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं शिल्प हूँ तो मेरे माता पिता शिल्पकार हैं, मेरी हर एक तारीफ के वही हकदार हैं। इनफैक्ट मैंने जो किया है उसका 10,000 गुना उन्होंने किया है, जितना मैं सोचता हूँ उसका 10,000 गुना वो करते हैं। उनकी जितनी एबिलिटी है उतना तो मेरी थिंक भी नहीं है। मतलब जब हम एक 10x10 की चाय की दुकान में रहते थे तब भी वो कोशिश करते थे कि मेरी हर एक नीड को पूरा कर सके, भले ही नहीं कर पाते थे बट उनकी थिंक वहाँ से शुरू होती थी। वो सुबह 6 बजे दुकान को खोलना और रात को 1 बजे सोना, लगभग 4 घंटे की नींदों में अपने सालों गुजार देना और एक 10x10 की जगह में पूरी दुकान चला लेना और साथ में वहाँ रहना और सोना भी, और इतनी पूरी फैमिली को अकेले पेरेंट्स को चलाना सर सबसे टफ टास्क है। आज की तारीख में 2 पेरेंट वर्क करते तब एक बच्चा पलता है, मेरे मम्मी पापा 3 बच्चों को पालने के साथ अपना काम भी कर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ है। सर मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं अपना दिन शुरू करता हूँ ना तो वो 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो 0 से स्टार्ट करने का जो भी आप पूरे दिन भर में करोगे आपने सीखा है, जब आप
एक्सपीरियंस के साथ, एक एटीट्यूड के साथ, एक ईगो के साथ किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते ना, तो आपको हार का गम होता है या डर होता है। तो आपको हार का डर इसलिए नहीं क्योंकि मैं हर बार कोई भी इवेंट को जीतने का 24 घंटे में उस हार को भुला देता हूँ। सिर्फ एक्सपीरियंस अपने साथ होता है, और किसी भी इवेंट में जाता हूँ ना तो जीरो एक्सपेक्टेशन, जो करेंगे वो बेस्ट है, और परफॉर्म करना हमेशा अपना 110% है। क्योंकि जब आप अपनी प्रैक्टिस में अपना 100% देते हैं ना, तो डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप अपने इवेंट में अपना 10,000% परफॉर्म कर पाएंगे। तो कोई हार का डर ही नहीं होगा सर जब आप जीरो से शुरू करेंगे, तो जो भी किया आपने कमाया ही है। सर मेरा गोल है कि मैं मेरे पापा के लक्ष्य कदम पे चलूं। 2014 में जब मेरे पापा बेड रेस्ट पे थे 2 साल तक, तब उसके पहले मेरे पापा बहुत सारी चीज़ें करते थे, मतलब 700 बच्चियों को फ्री पढ़ाना। इनफैक्ट उसके पहले पापा बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, 700 बच्चियों को फ्री पढ़ाते थे खुद के एक्सपेंस पे, और बहुत सारा सपोर्ट करते थे बच्चों लड़कियों की शादी कराना जिसके पेरेंट्स एबल नहीं है उस समय। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पापा उस समय करते करते रुक गए, उसको मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा, अपनी मेहनत पूरी करूँगा, और मुझे ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है। ऐसे टाइमिंग, ऐसे बैरियर को क्रॉस करना है जिससे एक ऐसा टाइमिंग क्रिएट करना है जिसको लोगों को तोड़ने में अरसा बीत जाए। मुझे ट्रायथलॉन करनी है, अल्ट्रा रनिंग में इंडिया को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जो कि किसी ने सोचा ना हो। जैसे आज इंडिया का लेवल और अनादर कंट्री के ओलंपिक लेवल की को कंपेयर करें तो इंडिया को लगभग 2055 में इंडिया पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल ट्रैक एंड फील्ड या 42 किलोमीटर में जीत पाएगा, क्योंकि हमारा का डिफरेंस इतना है। ओलंपिक आज की तारीख में जो फुल मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 1 घंटे 49 मिनट है, 49 मिनट 39 सेकेंड, और इंडियन फास्टेस्ट टाइमिंग है फुल मैराथन का 2 घंटे 12 मिनट। ये जो 12 मिनट का डिफरेंस है इसमें वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स 5 किलोमीटर रन कर लेते थे, तो हम पूरे वर्ल्ड से 5 किलोमीटर पीछे, तो लगभग 30-35 साल लग जाएंगे उसको पूरा करने में। तो मैं सोच रहा हूँ, इस पर पूरी स्टडी कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन स्कूल ऑफ मैराथनर से स्टडी कर रहा हूँ, अमेरिकन एक्सरसाइज काउंसिल से स्पोर्ट्स इंजरी और स्पोर्ट्स मेडिसिन पर स्टडी कर रहा हूँ, कि अपने R&D अपने रिसर्च एंड एनालाइजेशन को इतना आगे लेके चले जाऊँ कि एक दिन इंडिया एक न्यू लेवल पे पहुंचे और मैं हर एक एथलीट की उतनी हेल्प कर सकूं जितना मैं सोचता हूं। लोगों को लगता है कि अगर ये दौड़ रहा है तो हम जीतेंगे, तो जीतेंगे कैसे, इसको कुछ ना होना चाहिए, अरे ये इतना नहीं कर पाएगा। बट मैं सोचता हूं कि जब तक आपके निंदक नहीं होंगे ना सर, तब तक आपको दूसरों के मोटिवेशन की जरूरत जरूर होगी। जब आपके पास लैग पुलर होंगे ना, तो आप खुद ब खुद उनको दिखाने के लिए और ज्यादा परफॉर्म करके होंगे। जब मैं इंदौर में दौड़ रहा होता हूँ ना सर, तो लोग इसीलिए यही बोलते हैं ये तो कार्तिक है तो इसीलिए कर रहा है, तो सर मैं कार्तिक ऐसे थोड़ी ना बना, या मैं इतना रन ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पिछले 5 सालों से अपने दिन रात सुबह शाम गर्मी दोपहर बारिश इनफैक्ट बर्फ में -18 डिग्री सेल्सियस तक भी प्रैक्टिस करके आता हूँ। लोग को सिर्फ अचीवमेंट्स दिखते हैं या आपने जितना डिस्टेंस भागा सिर्फ वो दिखता है, उनको ये नहीं पता कि इतना भागने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। लोगों का सालों या अरसा बीत जाता है 100-200 किलोमीटर दौड़ने में। मैंने अभी तक 15 बार 200 किलोमीटर दौड़ी है सर। सर मैं जो इंडिया की टर्म सीखता हूँ स्पोर्ट्स पे, वो थोड़ी सी यूनिक है हमारे वर्ल्ड के और इंडिया के कंपैरिजन में। वो ऐसी है कि हमारे यहाँ पे है ना कंट्रोवर्सी बहुत होती है, ये हमारे स्टेट से, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा वो है। तो जब मैंने कि स्पोर्ट्स में अपने पहले दिन अपना कदम रखा था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा इवेंट दौड़ूंगा या ऐसी फील्ड में जाऊंगा कि लोग अगर मेरे साथ कंट्रोवर्सी भी करें तो उनको जवाब देना उनकी ज़िंदगी भर का एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाए। जैसे जब कोई स्विम कर रहा होता है तो बताते हैं फाउल स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं अल्ट्रा रनिंग करूंगा और वो एक ऐसा टास्क है जिसमें घंटों से या किलोमीटर से किसी की दूरियाँ तय की जाएगी, तो यहाँ पर कोई मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करेगा और इंडिविजुअल गेम में पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक ना, कोई आगे है ना कोई पीछे, आपको अकेले को करना है सब कुछ। तो उस समय मेरे दिमाग में था कि हाँ एक ऐसी रेस होती है जिसमें आप आखिरी तक दौड़ सकते हो। 2018 में जब मेरे को लगा कि हाँ रनिंग के बारे में आपको पढ़ना भी इतना ही ज़रूरी है, तो हर दिन 2 टॉपिक पढ़ना मैंने शुरू किया। तो आज तक मैं रनिंग पे हर दिन 2 टॉपिक पे ज़रूर स्टडी करता हूँ, लगभग 2000 से ज़्यादा टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ कि अगर आपको सोना है ड्यूरिंग रन तो क्या, अगर आपको फास्ट भागना है थक रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन कैसे होगा, इनहेल एक्सहेल कैसे होगा। एक लेडीज थी सर न्यूजीलैंड की, जिसने 84 घंटे बिना रुके बिना सोए दौड़ा है, उसके नाम पे 2018 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक ऑन रोड दौड़ने का। तो मैंने सोचा जब एक फीमेल कर सकती है तो हमारा पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा होगा, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। पैर में से खून निकलना, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी खून निकल जाना, नाखून निकल जाना, दर्द होना, इनफेक्ट रैशेज हो जाना, उसके बाद भी आपको दौड़ना,
इससे इजी वे भी है सक्सेस के। तो सर मैं सोचता हूँ कि जब आपको सक्सेस सर्व कर की जाती है ना, जैसे रिच फैमिली रिच किड्स जो होते हैं ना, उसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जब आप खुद से बनाते हैं ना सर, उसको डाइजेस्ट करना, उसको किसी को बताने का अलग ही एक एक्साइटमेंट होता है। तो जब मैंने अल्ट्रा रनिंग स्टार्ट की थी तब मेरे को लगा था कि ईजी वे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे एक ऐसी बैरियर क्रिएट करना जो लोगों की सोच के बहुत परे हो, क्योंकि जब आप कुछ ये नहीं करोगे ना तभी आप चमकोगे भी सही। हीरा सर एक ही कोहिनूर है आज तक, और उसकी वैल्यू इतनी जो कोई काउंट ही नहीं कर सकता, कैलकुलेटर शर्मा जाता है। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ बनेंगे। सर मेरा 2023 को लेकर 9 रेसेस दौड़ने का प्लान है। मेरे पास पूरे साल भर के कैलेंडर्स कैलकुलेटेड होते हैं, बट मैं आपको कुछ रेसेस बताता हूँ। मैं 2023 जनवरी 22 जनवरी के दिन दिल्ली में एक स्टेडियम रन दौड़ूंगा 24 घंटे, जिसमें मेरा लगभग टारगेट होगा कि मैं 230 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ूँ 24 घंटे में। 24 घंटे के स्टेडियम रन में आपको कंटिन्यूसली एक ही स्टेडियम के कंटिन्यू राउंड लगाने होते हैं। मार्च में मैं स्कॉटलैंड में एक रेस दौड़ने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रैगन वेव्स। आज तक इंडिया से किसी ने नहीं दौड़ी। उसमें 57,000 फिट का एलिवेशन होता है, 380 किलोमीटर उस रेस का डिस्टेंस है, -18 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ। तो उस रेस में सर्वाइव करना, उसको पूरा करना एक सबसे टफ टास्क है, वो मेरा सेकंड चैलेंज है। जून 2023 में साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन है, जिसको मैं अपना फास्टेस्ट टाइम के साथ फिनिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं 7 घंटे के आसपास पूरी करूँ। वहाँ पर अभी जब मैं अपने फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने 7 घंटे 52 मिनट में 90 किलोमीटर दौड़ा था, इंडिया का फास्टेस्ट टाइम क्लॉक किया था। अब मैं खुद के लिए फास्टेस्ट टाइम क्लॉक करूँगा, इससे पूरी कंट्री फिर प्राउड कर सके। 2023 अक्टूबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है USA टेनेसी में, बैकयार्ड अल्ट्रा का। इसमें हर देश से सिर्फ एक पार्टिसिपेंट पार्ट कर सकता है। इंडिया से पिछले 3 सालों से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ जाऊँ और अपना बेस्ट एवर परफॉर्म करके आऊँ। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि आप कुछ भी स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, तो हारने का गम नहीं होगा, किसी से पीछे रहने का डर नहीं, और आगे बढ़ने का सारे रास्ते खुले हैं। पीछे जाने का कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो जीरो इज द बेस्ट वे, हमेशा खुद को जीरो बना लो। एक्सपीरियंस हमेशा सहेज कर रखो, इतने अच्छे से संभाल के रखो कि आप कभी आपसे कोई तारीख पूछ ले तो आप तारीख को मिनट और सेकेंड के साथ अपना जवाब दे सके किसी को। तो मैं अपनी एक छवि ऐसी बनाना चाहता हूँ कि कहीं अगर 500 किलोमीटर की भी बात हो ना तो एक बार मेरा नाम जरूर क्लॉक हो, कि 500 किलोमीटर अगर वो गाड़ी से जा रहे हैं तो 5 बार रुकेंगे या 6 बार रुकेंगे। अगर मैंने 500 किलोमीटर बिना रुके दौड़ा है तो हर बार इंसान के दिमाग में एक वो छवि बनी रहेगी। मैं अपना टारगेट बताता हूँ आपको। मैंने सोचा है कि मैं 111 घंटे लगभग कंटिन्यू दौड़ूं, जिसका टोटल डिस्टेंस 780 किलोमीटर के से भी ज़्यादा होता है। अगर वो जिस दिन मैं पूरा करूँगा उस दिन हर एक के दिमाग में होगा कि एक 20 साल का एक 21 साल का लड़का इतना डेजर्ट को क्लॉक कर चुका है, इतना लंबा रन किया। एक मेरे फुट स्टेप कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ईजिली ड्रॉप होंगे कि हाँ यहाँ पर मैंने रन किया था। तो या तो स्ट्रेचर होगी या फिर विक्ट्री होगी। या तो इतना कर लूँगा कि मैं स्ट्रेचर पर वापस घर जाऊँगा, या फिर अपना इतना परफॉर्मेंस करूँगा कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा। तो ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में चल रही होती है, और मैं इसी थ्योरी की वजह से शायद लोग मुझे जरूर याद करेंगे। शाबाश कार्तिक, जितना भी हम आपको सुन पाए समझ पाए हम इतना ही कहेंगे कि 2023 आपके नाम। अब जो आपका सपना है वो केवल आपका नहीं बल्कि आपके परिवार का, प्रदेश का और देश का भी सपना है। तो 2023 आपके नाम हो, आप 2023 में वो सब कुछ अचीव कर पाए जिसका सपना आपने देखा है अपने लिए और देश के लिए, ये उम्मीद हम करते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े और बातचीत की, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 2023 आपके नाम है।